हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है दो भाई जो मैंने आपको व्लॉग में बताया था, अभी वो डला नहीं है बट डाल दूंगा वो वाला। तो आए थे दो, कितने दिन हो गए आपको यहाँ है? चार दिन हो गए ना, दो तारीख को दो तीन, मतलब तीन चार दिन हो गए। तो भाई ये लोग मतलब काफ़ी दिक्कत फेस करके आए और काफ़ी दिक्कत हुई है इनको, बहुत सारे मेरे से पूछते रहते हैं कि अभी कहाँ से हम आ सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि ये बेस्ट रहेगा वीडियो आप लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि अभी आना सेफ है या नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। तो पहले एक बार शुरू से पूछते हैं कि ये कौन से ईयर में है और मतलब यहाँ कितने महीने रुके थे, क्योंकि इन्होंने, मैंने तो पूरी बात कर ली लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। तो भाई आप लोग कब आए थे, मतलब बोर्ड से पहले कितने महीने रुके यहाँ? पास में आ जाओ, दिसंबर में आए थे और 3 महीने रुके थे हम लोग। 3 महीने रुके थे और फिर बोर हो गया तो इनको भागना पड़ा वहाँ से। तो फिर अभी आप इंडिया गए फिर यहाँ से, तो अभी फिर कैसे सोचा अभी आने का यहाँ पे? मतलब पहले तो सोचा था कि वोट जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सेम ही स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन वहाँ जाके। हमारी क्लासेस वैसे लगी नहीं थी क्योंकि फरवरी इनटेक है, तो उसके बाद फिर हमने 1-2 महीने बिताए, 3 महीने बिताए, फिर बोर बढ़ता गया लगा। पेरेंट्स ही माने क्योंकि ये कंडीशन सी ऐसी थी कि वो भी नहीं चाहते थे कि बच्चे को भेजें ऐसी कंडीशन में। और फिर उसके बाद जून जुलाई में आता है एनएमसी का लेटर, वो सीधे बोलते हैं कि वहाँ से लाइसेंस लाओ, रजिस्ट्रेशन होने रजिस्टर्ड होनी चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट पे, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसमें। बहुत सारी उन्होंने कंडीशंस रखी हमारे सामने ताकि बच्चे मींस की हो ही ना पाए वहाँ, कोई जाए ना बाहर। और आप लोगों के लिए एक दिक्कत भी होती है ना कि 2021 वाले के बाद वो ट्रांसफर, वही था कि सारी कंडीशंस हमारे लिए पुट आउट कर दी थी उन्होंने कि भाई लो अब तुम जा, अब देखना कि अगर आना है तो आ जाओ वापस इंडिया में एडमिशन लो, वरना बाहर से तो हम अलाउ करेंगे नहीं, ऐसी कंडीशन थी हमारे लिए। फिर हमने सोचा, फिर पेरेंट्स से बोला कि कर दो उसको एग्जिट ही कर दो वहाँ से, तो पुल आउट कर लो, डॉक्यूमेंट मंगा लो। फिर था कि ड्रॉप हो चुके थे पहले, तो अब दो साल ये हो चुकी थी, फिर थोड़ा नया टाइम हो चुका, वेस्ट ना हो इस टाइम वेस्ट, हमने कंटिन्यू रखा। फिर न्यू एडमिशन ले लिया उस चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे आपके ईयर वाले थे ना, तो लाइक जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया था वो नए मतलब अलग जगह जाके दोबारा फर्स्ट ईयर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें जाके, लाइक उज्बेकिस्तान रशिया चले गए कुछ बच्चे। सही समझदारी तो यही थी, मैं तो यही बोल रहा था कि मत करो भाई ये सब चीज़ें, पढ़ लो अभी, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना वो नहीं था क्योंकि आप लोग ऑनलाइन कर सकते थे। वो फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना होता भी नहीं कि बस मेन सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी हिस्टोलॉजी, आप ऑनलाइन करोगे तो भी हो जाएगा। फिर क्या हुआ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, फिर इस बीच में हमने आने का सोचा था पहले ही, वो जो पोलैंड का बॉर्डर खुला हुआ था। अच्छा अच्छा, फिर जैसे ही अपॉइंटमेंट हमने ली उससे पहले ही वो क्लोज हो गया, फिर एजेंट लोग भी ज़्यादा पैसे लगा रहे थे तो फिर हम रुक गए। पता था कि एक और सेमेस्टर ऑनलाइन हो सकता है, तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन कर लिया। देन आफ्टर हमने सोचा कि एक्चुअली हमारे पास टीआरसी था नहीं जो बोर में आने वाला था, बट उससे पहले मतलब आने वाला था, उससे बाद बोर हो गया, तो उस चक्कर में हमने न्यू यूक्रेनियन वीज़ा लगा और फिर हमको अबू धाबी से एक अपॉइंटमेंट मिली मोल्डोवा एम्बेसी में, और फिर वहाँ से मोल्डोवा का स्टिकर वीज़ा लगा कर हम बॉर्डर क्रॉस किया मोल्डोवा का, देन फिर यूक्रेन का, और फिर हम चलो ये तो शॉर्टकट स्टोरी हो गई। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ भाई, अपन नाम पूछना भूल गए आप लोगों का, पूछ बताना भूल गया आपको, तो भाई अपना नाम बताओ और कहाँ से हो इंडिया में आप, ईयर बता देना। मैं, मेरा नाम ध्रुव जोशी है, आई एम फ्रॉम राजस्थान, सेकंड ईयर कोर्स में हूँ मैं अभी। और मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं सेकंड ईयर कोर्स में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। तो भाई आपने मेरी वीडियो देखी हुई थी पहले? बिल्कुल देखी हुई थी। तो भाई तो मेरे को जानते हैं, कैसा लग रहा है इस मेरा व्लॉग्स में आके? अरे बहुत बढ़िया, कभी लग रही हो शर्मा बन रहा है। तो चलो तो फिर अब वो पूछना है कि आपने शॉर्टकट में बता दिया कि पूरी स्टोरी यहाँ पे आने की, बट क्या क्या मेन प्रॉब्लम आई आपको, वो चीज़ें? मेन प्रॉब्लम ये थी कि अबू धाबी में 10 दिन होल्ड करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई ऐसे रिलेटिव्स भी नहीं थे, ना ही कोई फ्रेंड था। शुरू से बताते हैं जो वाले वीज़ा में दिक्कत होती है। हाँ सब बताओ पूरा। बात ये थी कि हमारी होती है इंडिया से स्टार्ट, अब हमारे एजेंट ने क्या बोला था कि मैं आपका दुबई वाला वीज़ा लगा रहा हूँ 30 दिन के लिए, जो कि लेकिन आपको ना यहाँ जब इमिग्रेशन ऑफिस में इंडिया में आपको ये नहीं बताना है कि मैं दुबई से मोल्डोवा जाना है, वहाँ से फिर यूक्रेन जाना है, क्योंकि अभी यूक्रेन के लिए कोई भी अलाउ नहीं कर रहा है इंडिया बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से हमें इमिग्रेशन ऑफिस पे ये बोलना पड़ा कि हम दुबई घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट पे हैं, और उसकी वजह से फिर हम उन्होंने भेज दिया, मतलब कि कुछ वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करे 2-4, फिर उसके बाद भेज दिया उन्होंने हम। अच्छा पहले अगर वो यूक्रेनियन वीज़ा लगा हुआ था, इसलिए किया क्वेश्चन ज़्यादा कि यूक्रेन जा रहे हो, तो हमने कहा कि नहीं यूक्रेन नहीं जा रहे,
लाइक अबू धाबी का वीज़ा लगाया होगा हमारा। अच्छा अच्छा। तो जैसे फ्रेंड्स लोग हम घूमने जा रहे हैं, फिर वहाँ जाकर हमने एक अपार्टमेंट लिया था दुबई में, वहाँ से फिर हम टैक्सी से हम अपार्टमेंट गए, अपार्टमेंट लिया था हमने, और देन नेक्स्ट डे हमारी 20 सितंबर को हमारी अपॉइंटमेंट थी अबू धाबी। आफ्टर डेट हम अबू धाबी तो अपॉइंटमेंट का जो ये है ये आपने ले ली थी या एजेंट से कराया? एजेंट से करवाया था, उससे अपॉइंटमेंट उसके पास थी तो हमने उससे ली। देन उसने कहा कि आपकी 20 सितंबर की अपॉइंटमेंट है तो आपको वहाँ पे एम्बेसी में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताना, मैंने सुना है कि जो एजेंट लोग ये पहले बुकिंग करके रखे थे इन्होंने रोक के रखी थी ताकि, तो ये नाम चेंज कर पा रहे थे उसमें? मतलब आप नाम चेंज करा पा रहे थे लेकिन अपनी ही ईमेल आईडी से, अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग अपॉइंटमेंट दे रहे थे। और बस नीचे आपका जो जो भी है आप कौन से कोर्स में हो, आपका नाम। तो फिर आप लोग गए पासपोर्ट नंबर वहाँ पे, तो आपको क्या दिक्कत आई फिर अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली सारा शॉर्ट हो गया एम्बेसी में। लाइक हमने अपॉइंटमेंट बताई, उन्होंने कहा, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने कहा कि आपको 1 वीक बाद मेल आएगा। अच्छा। फिर आपको 1 वीक बाद आना है आपका पासपोर्ट लेके, आपको हैंड टू हैंड आपको वीज़ा दे देंगे। बट मेन यही था ना कि 10 दिन होल्ड करना था। 10 दिन होल्ड किया आपने, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। दुबई में रुकना और अबू धाबी में रुकना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी जो इंडिया में रहती है, बट यही ना कि एक दूसरी कंट्री है तो करेंसी डिफरेंस आता है, करेंसी डिफरेंस और ये सब। बट हमने अपार्टमेंट में होल्ड किया हुआ था तो हमने लमसम 1 वीक वहीं रहे थे, और 27 सितंबर को हमको एम्बेसी से मेल आया कि आपको एम्बेसी आना है आपका पासपोर्ट लेकर आना है। ओके। फिर हम वहाँ गए, हमारा पासपोर्ट पे हिस्ट्री का वीज़ा मोल्डो होना लगा, और फिर हमने फिर फ्लाइट करवाई जिस नाव मोल्डो में। तो अब वहाँ से मतलब 7 या 8 दिन में आपको वीज़ा मिल गया? वीज़ा मिल गया था, वर्किंग डेज में मिल जाता है। वर्किंग डेज में? हाँ। बट हमने फ्लाइट थोड़ी आगे की करवाई थी 1-2 दिन की, अगर 1-2 दिन लेट हो वीज़ा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ। तो फिर आप वहाँ से मोल्डो आए, थोड़ा हवा चल रही है तो वॉइस की थोड़ा दिक्कत आ सकती है भाई, तो बट कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं मोल्डो आके फिर हमने अपने दोस्त से बस बुक कराई विनिशा की, ठीक है, वहाँ से बस चीज़ मिली। तो आप जैसे मोल्डो एयरपोर्ट पे उतरे वहाँ पे क्या आपसे पूछा? मोल्डो एयरपोर्ट में हमसे जैसे कि हमारा तो न्यू यूक्रेनियन वीज़ा था, तो लाइक ऐसा है ना कि आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, आपके पास टीआरसी नहीं है, तो ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर लगेगा, और स्टूडेंट कार्ड आपके पास हो तो बेटर है, या फिर उसका फोटो भी, स्टूडेंटशिप लेटर होता है, एक ट्रैवल लेटर होता है जो डीन ऑफिस बना के देता है आपको, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे क्लियर होता है कि बिना मेडिकल स्टूडेंट कोई आ नहीं सकता, नहीं सकता। और एक टूरिस्ट तो बिल्कुल भी अब टूरिस्ट अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ से मोल्डोवा से, मोल्डोवा से हमसे कुछ ज़्यादा इमिग्रेशन पूछा नहीं, मतलब प्रूफ मांगे कि आप स्टूडेंट हो, यूक्रेन में इनविटेशन लेटर मांगा हमसे, हमने बताया और सारा कुछ बताया, तो फिर उन्होंने इजीली क्रॉस करने दिया बॉर्डर। बट यही अगर किसी को अबू धाबी से अभी आना है तो अभी हमने सुना था कि नवंबर तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सारी बुक्ड है, और शायद अभी अजरबैजान अगर खुला है या फिर चाइना खुला है तो आप वहाँ से आओगे, चाइना से आओगे तो बेस्ट रहेगा। वो भी एजेंट से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा है बहुत दिक्कत आ रही है अजरबैजान से भी और यहाँ से भी, तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अभी घर पे रहो, ये सेमेस्टर ऑनलाइन कर लो, पता नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर तक कुछ अपडेट आ जाए, कुछ अच्छा आ जाए, क्योंकि अभी आप लोग आए खुल के बता देना कि आप लोगों का कितना मतलब अप्रोक्स कितना खर्चा बैठ गया। अप्रोक्स हमारा अपॉइंटमेंट का तो 700 US, मतलब पूरा आप बता दो कि यहाँ पे पहुँचते अगर आई ना पूछ रहा है 2.5 लाख इनका लग गया, तो 2.5 लाख भाई छोटी अमाउंट नहीं है, क्योंकि हम जब मोल्डोवा से आए थे हमारा मेरा 54 में मैं यहाँ पे पहुँच गया था पूरा टोटल, और अभी इनका 2.5 लाख लग गया भाई। हाँ, यही है कि क्योंकि दो कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, पहले तो एक ही कंट्री थी लाइक पोलैंड हंगरी, आप कहीं से भी आ सकते हो, बट यही है ना कि अभी दो आपको कंट्री ट्रैवल करनी है। और इससे पहले भी आपका मोल्डोवा का लगाया था वीज़ा? पहले नहीं लगाया था, सीधा यही सोचा था कि लगाएं, पर वही था कि हमको पता नहीं था कैसे जाना कैसे नहीं जाना है, फिर क्या पता एजेंट को दिक्कत करते बीच में डॉक्यूमेंटेशन मांग ली, क्योंकि उस टाइम पे सिक्योरिटी बहुत हाई थी। हाँ। फिर हमने वहाँ से मोल्डोवा से बस लेकर हम आए यूक्रेन में, यूक्रेन में एंट्री में हमारी 3 बार चेकिंग हुई थी, तो फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम तो आपका पासपोर्ट चेक करके भेज देंगे आपको, लेकिन थर्ड टाइम अगर आपके पास टीआरसी नहीं है ना तो फिर डिपोर्ट हो गई या फिर आपकी न्यू वीज़ा है ना तो उनको वो
डिफिकल्ट है समझाना, ऐसा नहीं है कि आपको रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, बस आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाने पड़ेंगे, लाइक इनविटेशन लेटर, स्टूडेंटशिप लेटर, स्टूडेंट कार्ड, स्टूडेंट कार्ड आप ये बता दोगे तो वहाँ थोड़ा सा 1-2 तो आपको रोक के रखते हैं, आप इजीली क्लोज हो जाओ। हाँ मतलब थोड़ी सी तो ऑब्वियसली आप इतना ट्रैवल कर रहे हो तो डिफिकल्टी तो आएगी, फिर वो टाइम है कंट्री में एंट्री इजीली नहीं मिलेगी आपको। और कुछ नहीं फिर आप नहीं आए विनिशा से बेटर ना, इधर तो यूक्रेन में एंट्री करने के बाद कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा आने का प्लान कर रहे हो थोड़ा सा रुक जाओ, अगर पोलैंड हंगरी ये सारे बॉर्डर डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं फिर वहीं से आ जाओ, आपके लिए कॉस्टली भी कम होगा और ईजिली भी रहेगा, ईजी भी रहेगा, क्योंकि अभी आप अबू धाबी या अभी अजरबैजान से ट्रैवल करोगे तो मे भी कॉस्टली तो हो ही जाएगा और थोड़ा सा रिस्क भी है, बट हाँ आप आ सकते हो अगर आपको इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है तो, एंड थोड़ा सा वेट करो, अगर पोलैंड खुल जाता है या फिर हंगरी तो फिर आप वहाँ से आप ईजिली ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि लग रहा है कि हमारा ही टीआरसी नहीं था, बाकी सबका तो शायद टीआरसी है तो इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 1 वीज़ा ही रहेगा। फरवरी इंटेक वालों का CRC नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि उनका वीज़ा थोड़ा लेट एक्सपायर होता है, उसकी वजह से TRC में थोड़ा टाइम लगा, उससे पहले ही वो स्टार्ट हो गया था, उनके पास TRC है वो तो इजीली आ जाएगा, उनको कोई मतलब कि क्वेश्चन भी नहीं करेगा वो, सिर्फ पासपोर्ट चेक करके एंट्री यूक्रेन बॉर्डर पे इतनी। अच्छा एक चीज़ मेरे को पूछनी थी कि जो जैसे वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया था मतलब यहाँ का यूक्रेन वाला, तो न्यू लगा है ना आपने, न्यू वीज़ा लगा, न्यू कैसे लगता है मतलब मेरे को पूछना है। न्यू वीज़ा में लाइक आप एजेंट से लगवाओगे आप अगर एजेंट से लगवा रहे हो तो बेटर है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी रहता भी है ना कि आपको थोड़ा सा श्योरिटी देगा, श्योरिटी देगा आपको। VFS ग्लोबल एक साइट है आप सभी को पता ही है, तो हमने वहाँ से अप्लाई किया था, बट इसमें क्या हुआ कि हम दोनों का फोर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, एजेंट नहीं कराया था हमारा शुरू से, अप्लाई उसने किया था लेकिन हमको जाना पड़ा था, और दो बच्चों का हम दोनों का लग गया यूक्रेनियन वीज़ा और दो का रिफ्यूज हो गया, दो का कैंसिल हो गया था, तो थोड़ा साथ आने वाले थे वो कमल, या तो आप अमल कर अच्छा दो स्टूडेंट्स थे, या तो आप ऐसे एजेंट से लगवाओ जो आपको श्योरिटी से लगा देगा, या तो फिर VFS से। इसमें कितना कॉस्ट है यूक्रेनियन में अभी तो ज़्यादा ही है कुछ, कितना 45 कोई 50 सब अलग 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 50,000 में 50,000 तो मतलब एजेंट का अपना अपना डिपेंड कर रहा है, VFS ग्लोबल की तो शायद 16,000 की कॉस्ट है, अगर बट डायरेक्ट का कोई फिक्स नहीं है कि एम्बेसी आपका रिजेक्ट भी कर दे और आ भी जाए तो उसे श्योरिटी नहीं कह सकते उसको। तो उसमें फिर आप जैसे गए थे तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि यूक्रेनियन क्यों वीजा लगा, वहाँ तो कोई क्वेश्चन हुआ फिर लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ले लिए, आपको कहा कि 15 वर्किंग डेज में आपका वीजा आ जाए, लेकिन उसके बाद मेल आया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, लाइक हमारे पास मेल आया था कि आपको इंटरव्यू देने आना पड़ेगा, तो हम लोग ने फिर दिल्ली ट्रैवल किया, पहले लाइक मेरी अहमदाबाद में अपॉइंटमेंट थी यूक्रेनियन वीजा की, देन फिर मेल आया कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे एम्बेसडर ने इंटरव्यू लिया, लाइक वो 30 सेकंड का इंटरव्यू था, उससे पूछा कि यूक्रेन जा रहे हो और नाम क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा, वो एक मेन क्वेश्चन था, डिफिकल्टी आएगी नहीं वैसे अगर एजेंट से कराओगे तो, बट हाँ इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वीज़ा आपको लग के आ ही जाएगा, 100% क्योंकि हमारे साथ एजेंट से कराया था उसने भी, तो हमारे साथ लड़के थे बट उनका रिफ्यूज हो गया, तो उनके पास एक या तो आप ऐसे बंदे से करवाओ जो कि आपको बिल्कुल सिक्योरिटी देता हो, हाँ मैं लगा ही दूंगा कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, अपना बंदे से लगाओ जो पहले लगा चुका है, राइट, सो दैट्स ऑल आई थिंक, थैंक यू सो मच ब्रो। और भाई अपने ही हॉस्टल में तो मिलते रहेंगे, अगर कोई डाउट हो आपको तो पूछ लेना, कोई कमेंट कर देना अपने, ठीक है ब्रो, एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लाइक हम लोग भी सबके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैमरे के सामने पहली बार ही आ रहे हैं लोग, पहली बार ही हरिश्मिना व्लॉग्स पे आ गए भाई, इससे पहले कहीं नहीं आए, नहीं थोड़ा सा सौभाग्य है यार, प्लीज थोड़ा सा सेफ्टी से आना, और सारे थोड़ा जल्दी मत करो, अगर आपको लग रहा है कि बॉर्डर ओपन होंगे तो प्लीज़ वहाँ से ही ट्रैवल करो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हुआ है और हम थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान, आपको मतलब स्टे करना पड़ा है, बीच में रुकना पड़ा था 15 डेज, लाइक हम 19 सितंबर से निकले हुए थे घर के और यहाँ पे हम 2 अक्टूबर को,
यहाँ पर में आए तो आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल हो गया था हमारा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख के मतलब अगर हो जाता है लग अगर हो रहा है कि ये सेमेस्टर ऑनलाइन कर सकते हो तो करो, वेल एंड गुड है, और लग ही रहा है कि आना ज़रूरी है तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं वैसे, पर एजेंट थोड़ा देख के करवाना क्योंकि विदाउट एजेंट तो मैक्सिमम अब तो नहीं लग रहा है फिलहाल। अगर ये डायरेक्ट ओपनिंग हो जाती है पोलैंड या हंगरी से या रोमेनिया से तो आप खुद कर सकते हो क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट खुद बुक करनी है तो आ सकते हो, लेकिन अगर बाय टू कंट्रीज आना है तो मेरे हिसाब से तो ये एजेंट ही बेस्ट रहेगा। चलो अब वो अपने हिसाब से, वीडियो बहुत लंबी हो गई, चलो अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बाद में, अगर हम फिर से बना लेंगे कोई नहीं, भाई यहीं पर हैं। तो बाय बाय गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।